गया, लेकिन वह अब अपने असली मकसद से दूर है। आए दिन पुलिस के कुछ ऐसे कारनामे सामने आ जाते हैं जो वर्दी पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। ताजा मामला गोंडा के करनैलगंज के सकरौरा का है, जहां पर डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर बाजार में एक युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां एक युवक को डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई से नाराज स्थानीय बाजार के लोग डायल 112 के पुलिस कर्मियों द्वारा युवक की नाजायज पिटाई से सड़क पर उतर आए। पुलिस से नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान वहां मौजूद लोगों द्वारा घटना के बाद सड़क पर पुलिस व स्थानीय लोगों के बीच चल रही तल्ख टिप्पणियों व बहसबाजी का वीडियो बना करके वायरल कर दिया जाता है। आपको कौन सी गाली दिए थे? हम बता रहे थे गाली दिए, हम इनके नाम की तहरीर हम देंगे, मुकदमा हम खुद ही लिखाएंगे इनकी तरफ। तो लिखाओ, आता है देख लो, देखो इतना बना। 5:11 को रात्रि में करीब 10:15 बजे वो अपनी ड्यूटी पर थी, भ्रमण पर थी। तो भ्रमण के दौरान जो करनलगंज में कस्बा करनलगंज में एक सकरौरा चौराहा है, वहाँ पर दो व्यक्ति, एक मोहम्मद बारिश और जग्गू और एक जो है अरुण मिश्रा, इस पर नियुक्त कर्मी थे। उन पर ये जो मोहम्मद बारिश और जग्गू है, इसके द्वारा आरोप लगाया गया है और इन आरोपों की अभी क्षेत्र अधिकारी करनलगंज से जांच कराई जाएगी। जी, मामला ये है कि मिश्रा स्टूडियो यहाँ पे स्टेशन रोड पे जो दुकान खोले गुरुद्वारे के पास, और मैं यहाँ करनलगंज में दुकान खोले हुए, हम उसे कैमरा ले जाते हैं किराए पे। तो लॉकडाउन से पहले भी हमने इनको कैमरा दिया है, उसका भी हिसाब पड़ा हुआ है, इस महीने का काफ़ी हिसाब पड़ा हुआ है। और ये कैमरा D5500 ये भी आज भी रखे हुए हैं, जिसका 100 रुपये और उसकी किराया देते हैं, उसका हिसाब पड़ा हुआ है। ये सब हिसाब लेने के लिए हम इनको चौराहे पे बुलाए थे। तो जब चौराहे पे बुलाए तो वहाँ पे बैठ के हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो मतलब मिश्रा जी ने कहा कि पीछे पुलिस खड़ी हुई। तो हमने कहा पुलिस प्रशासन से हमें कोई लेना देना नहीं, पैसा आप हमारा, बाकी आप हमारा पैसा दीजिए। इतने में वो लोग आए और हमें मतलब अपने वो जो बेत लिए हुए होते हैं उसे मारने लगे हमें।